Anandamani Radhika Merchant. Anandamani Radhika Merchant. $1 million, $1 million, $1 million, $1 million. क्या आप रेट नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, ये कैलकुलेशन मुझे गलत है, एक दफ़ा फिर ट्राई करें। अरे ये तो वाकई में एक ऐसी अमाउंट आ गई है जो मेरे और आपके तसव्वुर से भी बाहर है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आनंद अंबानी के शादी के अलावा दुनिया की टॉप 5 वेडिंग्स उनमें आज तक कितना खर्च हो चुका है और अंबानी फैमिली अब तक दुनिया की टॉप वेडिंग्स में कितने पैसे खर्च कर चुकी है, किस किस को बुला चुकी है और क्या क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर चुकी हैं जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते। एक ऐसे नाम के साथ पैदा होना जिससे किसी तारीफ की जरूरत नहीं। ईशा अंबानी की 2018 में सनतकार आनंद पीरामल के साथ मल्टी सिटी मल्टी इवेंट यूनियन ने मशहूर शख्सियात की शादियों के मौजूदा मंजरनामे को बदल दिया। बहुत ही मुनाफा बख्श रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जदीद दौर की वारिस ने अपनी विरासत में हिस्सा लिया, अपने दुल्हन होने के सफर का आगाज किया और अपने खानदान के करोड़ डॉलर के मुंबई घर अंडालिया में रोकर तकरीब के साथ इस तकरीब की शुरुआत हुई। शादी खूबसूरती से हुई, किसी भी दूसरे दुल्हन की तरह मेरे पास भी दुल्हन के नखरे थे, लेकिन घर में शादी ने इसे बहुत खास बना दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी के वो वक्त अपने सबसे यादगार लम्हात को इन तमाम लोगों के साथ मनाया जिनसे मैं प्यार करती। ईशा ने उस वक्त वोग इंडिया को इंटरव्यू में बताया। हकीकी पार्टी का आगाज़ इटली के कोमो लेक में चंद हफ्तों बाद हुआ, जहाँ जोड़े ने अपनी मंगनी को दिन के वक्त अनोखी तकरीब के साथ मनाया। ईशा के डोल्सिन गमाना गाउन के अलावा हिंदुस्तानी पसंदीदा शान और प्रीतम की परफॉर्मेंस के साथ साथ अवार्ड याफ्ता गुलकार और नब्बे नगार जॉन लेजेंड ने मशहूर शख्सियात की मेहमानों को महसूस किया। शायद शादी से पहले की तकरीबात का सबसे ज़्यादा दिल खराश खर्च बियॉन्से की परफॉर्मेंस है। हिलरी क्लिंटन, अरियाना हफिंगटन, निक जॉनस और प्रियंका चोपड़ा जैसे हाई प्रोफाइल हाजिरीन हॉलीवुड के बिग विग्स जैसे शाहरुख खान, कपूर खानदान के अरकान और दीगर एयर हॉस्टेस के साथ शादी के बेहतरीन लिबास में पहुंचे। शादी की तारीख 12 दिसंबर 2018 को तय की गई थी, जिससे प्रोडक्शन के अमले को दुनिया की महंगी तरीन शादियों में से एक को पूरा करने के लिए 7 माह का वक्त दिया गया। मेहमानों को तकरीबन 4,000 अमरीकी डॉलर के सोने से जुड़े दावतनामे भेजे गए। शादी के दिन ना सिर्फ अंबानी की रिहाइशगाह को ताज़ा पुलों से सजाया गया था, यहाँ तक कि पंडाल तक जाने वाले को येलो और ऑरेंज रंगों से सजाया गया था। ईशा ने डिज़ाइनर जोड़ी अबू जानी संदीप घोसला को अपने फाइनल लिबास का इंचार्ज बना और कहा जाता है कि $12 मिलियन का ये जोड़ा तैयार किया गया। नंबर 4 पर आती लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स की शादी। लंदन के सेंट पॉल्स कैथेड्रल में मुनाक़िद होने वाली लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स की जुलाई 1981 में होने वाली शादी को बड़े पैमाने पर फेरी टेल के तौर पर बुलाया गया, एक ऐसे वक्त में जब दुनिया अभी इंटरनेट से 2 दहाइयां दूर थी। इस बरतानवी शाही शादी ने दुनिया भर में 750 मिलियन लोगों की हैरत अंगेज नशरियाती नाजरीन को इकट्ठा किया। मजमूई तौर पर 3,500 मेहमानों को शानदार तकरीब में मदऊ किया गया था, क्योंकि मजीद 20 लाख तमाशाई डियाना के जुलूस के रास्ते पर खड़े थे। 3 कोयर्स और 3 ऑर्केस्ट्रा ने अपनी धुनें बजाई जब सबसे नए शाही रुकन ने 46,000 अमरीकी डॉलर मालियत के हाथी दांत के सिल्क टफीटा लिबास पहना, हाथ की कढ़ाई और सीक्वेंस और 10,000 मोतियों से सजाया गया। शानदार डिज़ाइन का सहारा बरतानवी जोड़ी एलिजबेथ और डेविड इमैनुअल को दिया गया। कॉमनवेल्थ ममालिक के गवर्नर जनरल के साथ साथ उस वक्त के कई यूरोपी बादशाहों ने अंग्रेज़ी दारुलहुकूमत की तरफ अपना रास्ता बनाया। हाइट पार्क के ऊपर आतिशबाजी की नुमाइश और शाही शादी की याद में मुल्क भर में 100 बैंक्स रोशन किए गए। दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीब में जोड़े को मजमूई तौर पर 27 केक पेश किए गए। शादी की लागत का एस्टिमेट बाद में मजमूई तौर पर $48 मिलियन लगाया गया था, जो आज के दौर में $110 मिलियन के दरमियान होता है। $6 लाख सिर्फ सिक्योरिटी पर खर्च किए गए। नंबर
नंबर तीन पे आती है चांदनी तूर से सिमेटर रॉय और रिचर रॉय से सुशांतो रॉय की शादी। इससे पहले कि ये सब सहारा के सरबराह होंचू के लिए नीचे की तरफ जाता, सुब्रतो रॉय ने अपने दो बेटियों सेमंतो और सुशांतो के लिए दुनिया की सबसे महंगी शादी को ख़त्म करने का दर्जा हासिल किया। 2004 में मजमूई तौर पर 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई करते हुए दोनों शादियां 11,000 मेहमानों की फहरिस्त के साथ लखनऊ के सहारा इंडियन टाउनशिप में पहुंच गई। ये जगह शादी की तकरीब के लिए काफ़ी चेंज की गई थी। यह तकरीब में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मेहमानों की आमद पर इस्तकबाल करने वाले सोनों के नैपकिन, इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के लिए 200 मर्सिडीज कारों का बेड़ा और अपनी कंपनी के 27 जेट प्यारों को चार्टर करना। तफरी के लिए बरतानी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का लाइव म्यूजिक था, जबकि मशहूर हिंदुस्तानी कोरियोग्राफर श्यामक दावर ने आलमी मियार के डांसर्स के लिए हैंड के साथ मरकजी स्टेज संभाला। ताज ग्रुप ऑफ होटल्स के बवर्चियों ने 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ खानों की एक शानदार सफ तैयार की, जहाँ डिज़ाइनर्स रोहित बाल और साबिया साची ने खानदानों के लिए डिज़ाइन किए। वहीं बॉलीवुड के आइकन अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय मेहमानों के साथ घुल मिल गए। वसी तकरीबात के अलावा राय के इंसान दोस्ताना पेशकशों को 1.5 लाख घर लोगों तक पहुँचाया गया। खानदान ने मुबैया तौर पर त्योहारों के हिस्से के तौर पर 101 पसपांदा लड़कियों की शादी को स्पॉन्सर किया। नंबर दो पे आती है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और हिंद बिन मखदूम की शादी। दुनिया की महंगी तरीन शादी का ताज उठाने वाले मराठी शाही बिन राशिद हैं, जिन्होंने अपनी पहली कजिन शहजादी शेखा से शादी 1981 में 45 मिलियन डॉलर की आंखों को पानी देने वाली रकम की लागत से इस हफ्ते तवील अरेंजमेंट्स के साथ मुल्क भर में 5 दिन की छुट्टी भी थी। जब शहजादे ने पहली बार शादी करने का फैसला किया तो दुबई में बहुत से मकामात पर 20,000 से ज़ायद मेहमानों का इज्तमा नहीं हो सका। बेपरवाह खानदान ने मकाम को ज़मीन से बनाया और इसे रिवायती मौसीकारों और रकासों से मुजयन किया। जवाहरात से मुजयन 20 ऊंटों का एक बेड़ा दुल्हन को तोहफे देने के लिए इस्तेमाल किया गया। आज इसी तरह के धूमधाम को बंदोबस्त करने के लिए तखमीना लागत 137 मिलियन डॉलर के करीब हो। शाही शादी पहला मौका था जिसमें दुबई की पुलिस एयरविंग ने अवामी परवाज का मुजाहरा किया। 5 जेट फाइटर्स ने एक्रोबैट्स का मुजाहरा करते हुए ज़बेल पैलेस पर फॉर्मेशन में उड़ान भरी। ग्रैंड फाइनल एक्ट के तौर पर लड़ाका हथियारों में से एक ने ऊपर दुबई ट्रेड सेंटर की इमारत को घेरे में ले लिया। इस आला दर्जे की शादी की सरकारी अंदर की तस्वीर कभी अवाम के लिए जारी नहीं की। इससे पहले कि हम नंबर वन आने वाली शादी आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के बारे में बात करें, आकाश अंबानी और श्लोका मेहता की 2019 में भी अब तक की सबसे ज़्यादा खर्च की जाने वाली शादियों में से एक थी। अपनी छोटी बहन ईशा की शादी के चंद ही महीनों में सबसे बड़े अंबानी बेटे ने फैसला किया कि आप उसकी शादी करने की बारी है। अगरचे इसे मुंबई सेंट मोरिट्स हाइपिंग तमाशे की लागत के बारे में काफ़ी बहस हुई है, इस ख्याल में इत्तेफाक राय है कि कई मिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे। शादी के दीगर खसूसियात में कोल्ड प्ले के क्रिस मार्टिन और द चेन स्मोकर्स की म्यूजिकल परफॉर्मेंस के साथ स्विस एल्प्स में शादी से पहले की 300 मजबूत पार्टी, मेहमानों को ले जाने के लिए प्राइवेट जेट, 5 सितारों की रिहाइश और लिबास के जोड़ों का शानदार डिस्प्ले शामिल है। मुंबई में मुनक़द होने वाली तकरीब जिसमें साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, गूगल के CEO सुंदर पिचाई और तकरीबन हर दूसरे बॉलीवुड स्टार जैसे आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। अब आते हैं नंबर वन पे अब तक की सबसे वायरल होने वाली अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी। अगर अंबानी कुछ कर सकते हैं तो ये रिहाना को उनकी शादी से पहले की तकरीबात के लिए एक सेट अंजाम देने के लिए 8 साल के वक्त से बाहर आ गया। हाँ, ये असल शादी भी नहीं है। 1 से 3 मार्च के अख्ताम हफ्ते के दौरान आलमी सतह पर नेटिजन्स ने अपने घरों से देखा अनंत अंबानी की शानदार शादी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बेटे मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट हेल्थ के टाइकून वीरेन मर्चेंट की बेटी, मार्क जकरबर्ग, काली क्लॉस, शाहरुख खान
और बिल गेट्स जैसी मशहूर शख्सियात और आलमी रहनुमाओं तकरीबन 2000 के मजबूत मेहमानों की फहरिस्त में से चंद नाम। तकरीब को कामयाब बनाने के लिए वादा, गीता अंबानी और भारतीय डिजाइनर मनीष मल्होत्रा पर मुश्तमिल खसूसी टीम की जानिब से तैयारियां की गई। अपने VVIP मेहमानों के लिए जामनगर हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के साथ साथ प्राइवेट जेट तैयारों के लिए बैन अल-अक्वामी दर्जा हासिल करने से लेकर 2022 के मेट गाला में आखिरी बार ब्लैक लाइली पर देखा गया हस्ब ज़रूरत वर्सीज लिबास पहने दुल्हन के लिए इस पार्टी के लिए कुछ भी नहीं था। मेहमानों को रोज सवाल से मकाम पर ले जाया गया। तकरीबन 700 मुख्तलिफ किस्म के पकवान पेश किए गए और खसूसी तौर पर डिज़ाइन किए गए पोचर टेंट में इनकी मेज़बानी की गई। खुद गुलकारा रिहाना ने अपने हिट ट्रैक्स डायमंड्स समेत कुल 19 गाने पेश करने के लिए 6.3 मिलियन अमरीकी डॉलर का भारी चार्ज लिया। अंबानी ने अपने मौजूदा प्रोजेक्ट विंतारा का भी इफ्तिताह किया जो रिलायंस के जाम नगरी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में ग्रीन बेल्ट के वसी हदूद के अंदर कायम जानवरों से बचाव और बहाली की पनाहगाह है। 3000 एकड़ पर मुहित ये पनाहगाह जंगली हयात की मतनौ सफ़ों को पनाह फराहम करती है। इसमें हाथी, चीते, शेर, मगरमच्छ और ईवन के मुख्तलिफ अकसाम के जानवर शामिल हैं। खानदान ने त्यौहार शुरू होने से पहले ही इलाके के 51,000 से ज़्यादा लोगों को खाना भी पेश किया था।